का जुनू जो रगों से बहा है, दिल आजमाया तो डरना लगा। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त भाई खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज 13 अगस्त की रात है, तो अभी रात के 9 बज रहे हैं, तो हमने व्लॉग स्टार्ट किया यार। कल रात को ना हमारे रोड पे ना आग लग गई थी, तो उसके क्लिप है मेरे पास, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और बताया ना सुबह हम क्रिकेट भी खेलने गए थे, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो फिर आके सो गया था, तो अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अभी जाएंगे जी कहीं फिरने शिरने, तो फिर वहाँ से भी आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे। यार अब आज के 50 मिनट पर हम घर से निकल चुके हैं, आतिशबाजी की वीडियो भी आपके साथ शेयर करेंगे, और आगे जितना भी हमने फ़न किया वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। हम जी अपना एक बड़ा बांस लेके गए थे कबूतरों वाला, उसके आगे छोटी सी झंडी लगाई थी, और आवाम आप चेक करें, आवाम कितनी हमें देख रही है। और हम हाईवे पर भी ये बांस ले कर गए, इतना मज़ा आया ना हमें, और आवाम आप चेक कर सकते हैं, इतनी आवाम ने हमारी वीडियो भी बनाई है, बहुत मज़ा आया। आप सब इन्जॉय करें, क्लिप बहुत मज़ा आ रहा है। से बहा है दिल आजमाया तो डरना लगा है, दिल का जुनू जो रगों से बहा है, दिल आजमाया तो डरना लगा है। नहीं खौफ कोई भी दुश्मन का हमको, नहीं मिलने देंगे यूं धरती से गम को, नहीं मिलने देंगे यूं धरती से गम को। मैं जी रास्ते में पुलिस ने पकड़ लिया था, वो जो हम बड़ा बांस लेके गए थे जिसके ऊपर छोटा सा झंडा लगाया था, उसकी वजह से पुलिस ने हमें पकड़ लिया। मगर हम भी बाज आने वाले नहीं हैं, हमने दोबारा आगे से झंडा लिया छोटा सा, और फिर उसके ऊपर लगा के पूरा हाईवे फिरते रहे हैं, बहुत मज़ा आया। आप जी फैज़ाबाद पुल पर देखें कितनी रश है, और या हम हाईवे पर इस वक्त हैं, तो हाईवे पर इतनी ज़्यादा रश है जिसकी कोई इंतहा नहीं। The next morning.
जी तो व्यूअर्स, आप कह रहे होंगे 14 अगस्त पर कोई वीडियो शीडियो नहीं आई जो रात की थी, तो वही आपके साथ शेयर किया। मेरा 14 अगस्त पर हमारे साथ एक बहुत बड़ा फड्डा हो गया था, लड़ाई होगी, तो इस वजह से ना हम किधर गए ना वीडियो बनाई है। तो आज का व्लॉग यहाँ पे एंड कर, तू चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।